हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लिगल पाठशाला पे। एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, क्या सिर्फ आप पंजाब जुडिशरी में आप 3 बार ही एग्जाम दे सकते हैं? क्या सिर्फ पंजाब जुडिशरी में 3 अटेम्प्ट ही हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं? तो काफ़ी बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन चल रहा है कि पंजाब में सिर्फ 3 ही बार हम अटैम्प्ट दे सकते हैं जुडिशरी का, या 3 से ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर पंजाब में कितने अटैम्प्ट हम दे सकते हैं जुडिशरी एग्जाम के। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए चलिए देखते हैं इस वीडियो में मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या सही बात है ये कि आप सिर्फ पंजाब में 3 ही बार अटैम्प्ट दे सकते हैं जुडिशरी का, ये बात गलत है? या अगर सही है तो किस परस्पेक्टिव में ये सही है? चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए पंजाब जुडिशरी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी उसमें लिखा हुआ नंबर ऑफ अटेम्प्ट, साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मतलब कितनी बार आप पंजाब जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है आप लोगों ने जिसके ऊपर गौर शायद नहीं किया, इन्होंने कहा एज पर द पंजाब रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन रूल्स 1982 एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की भी वैकेंसी है इसके अंदर, सॉरी जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है आर परमिटेड ओनली 3 अटेम्प्ट्स, सिर्फ और सिर्फ 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे किसको, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है। एट द एग्जामिनेशन एंड अपीयरिंग इन इवन वन पेपर ओनली शैल बी डीम्ड, सिर्फ और सिर्फ आपने एक पेपर में भी अपीयर हुआ है, अगर आपने सिर्फ प्री भी दिया है तो भी ये मान लिया जाएगा कि आपका अटेम्प्ट हो चुका है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट शुड अटैच सेल्फ डिक्लेरेशन मेंशनिंग द नंबर ऑफ चांसेस ऑलरेडी अवेल्ड 0, 1, 2 और 3। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो अटेम्प्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात चल रही है कि पंजाब जुडिशरी में सिर्फ 3 अटेम्प्ट हैं, ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं। मतलब जो फ्रेशर हैं, जो जिन्होंने अभी लॉ कंप्लीट की है, वो नंबर ऑफ टाइम पंजाब जुडिशरी एग्जाम दे सकते हैं। बस आप अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपको 3 ही अटेम्प्ट मिलेंगे पंजाब जुडिशरी का एग्जाम देने के लिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं हैं तो आप कितनी ही बार पंजाब जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं, बस मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 10 अक्टूबर 2022 तक। बाकी रिलैक्सेशन है यहाँ पे, जो पंजाब के एससी एसटी हैं उन्हीं के लिए रिलैक्सेशन दी गई है, 42 इयर्स तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है पंजाब में, जो 3 अटेम्प्ट की बात की जा रही है नंबर ऑफ अटेम्प्ट की, वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ 3 अटेम्प्ट हैं। बाकी जो एक जर्नल फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिन्होंने कोई एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को अडॉप्ट नहीं किया है, नॉर्मल एक फ्रेशर लॉ ग्रेजुएट है, वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकता है 10 अटेम्प्ट, 15 अटेम्प्ट, जितने अटेम्प्ट आप दे सकते हो। अगर आप 21 साल के हो, 22 साल के, तो 37 तक आप जितने भी अटेम्प्ट देना चाहो दे सकते हो, जितनी बार भी वैकेंसी आए उतने आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को टेंशन नहीं होगी कि पंजाब में सिर्फ 3 अटेम्प्ट, ऐसा नहीं है। पंजाब में आप नंबर ऑफ टाइम एग्जाम दे सकते हो पंजाब जुडिशरी का, ये सिर्फ 3 अटेम्प्ट की जो बात है, ये एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां साफ साफ लिखा हुआ है ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, उनको सिर्फ 3 अटेम्प्ट है, बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं इनको छोड़ के एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को छोड़ के बाकी जितने स्टूडेंट रह गए वो कितनी ही बार एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं पंजाब जुडिशरी का और कितनी ही बार अटेम्प्ट दे सकते हो। आपके अटेम्प्ट मैटर नहीं करते, वहां पे इमटीरियल है। ठीक है, चले थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, जिन बच्चों को अभी भी डाउट है इस वीडियो को वायरल कर दो, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचा दो जो कि इस डाउट में है कि सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट है, उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बाय, टाटा।